गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे बेटा आप लोग। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू। हालांकि हमने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग जो पार्ट वन है या एफएम में बेटा इसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं, वो टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी। प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग बेटा उन वीडियोस को आप देख सकते हो जिसमें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट वन कवर किया था या ब्रेक इवन जो एनालिसिस था वो हमने कवर किया था बेटा। उस टॉपिक में लगभग हमने आपको 11 फॉर्मूले लिखवाए थे और उन 11 फॉर्मूलों के बिहाफ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है। अब आज मैं आपको करा रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू, और इस मार्जिनल कॉस्टिंग जो पार्ट टू है ये करते ही हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक भी कवर हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है, मटेरियल वेरियंस हमारा हो चुका है, लेबर हमारा हो चुका है और सेल्स वेरियंस हमारा हो चुका है, और इसी के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू कराते बेटा ये भी कंप्लीट हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इस टॉपिक का एक नाम और होता है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। इस टॉपिक का एक नाम और है प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। इसी को हम मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू भी बोलते हैं और इसी को बेटा हम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन भी बोलते हैं। कुल मिला के ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ही एक्सटेंशन होता है। सारा काम वही करना है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में किया था, बस इसमें क्या पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये चैप्टर है आपका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन या मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू, एक्सटेंशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट वन। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। पहला पार्ट होता है स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। और एक ये चैप्टर बेटा डिवाइड है, सेकेंड पार्ट इसका है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग की फैक्टर। एक पार्ट है स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड और एक हमारा टॉपिक है लिमिटिंग की फैक्टर। दो पार्ट्स में ये चैप्टर हमारा डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो पहला ही पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम है स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करते हैं। नाम से पता लग रहा है बेटा स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड का मतलब ये है कि अभी कंपनी क्या कर रही है, प्रेजेंट लेवल पे तीन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ए बी और सी। कंपनी तीन प्रोडक्ट अभी बना रही है ए बी और सी, और कंपनी ने एक डिसीजन लिया। नाम से पता लग रहा है स्टार्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। बेटा सिंपल सी बात है, कंपनी क्या करना चाह रही है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है इन प्लेस ऑफ ओल्ड। अभी प्रेजेंट लेवल पे कंपनी बना रही है तीन प्रोडक्ट ए बी और सी। अब कंपनी ने डिसीजन लिया कि वो जो बी प्रोडक्ट है उसको डिसकंटिन्यू मार्केट में करना चाह रही है, मतलब वो फ्यूचर में अब बी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी और इन रिवर्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, या कह सकते हैं बी की प्लेस, मतलब बी को किससे प्लेस करेगी, बी को जो प्लेस करेगी वो करेगी अब प्रोडक्ट डी से। आई थिंक कंपनी तीन प्रोडक्ट बना रही है ए बी और सी, कंपनी ने डिसीजन लिया इन फ्यूचर वो बी को डिसकंटिन्यू करेगी और इन प्लेस ऑफ बी कंपनी मार्केट में अपना न्यू प्रोडक्ट लाएगी। उस प्रोडक्ट का नाम है बेटा आपका प्रोडक्ट डी। आपको बस ये कमेंट देना होता है क्या कंपनी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, क्या कंपनी इस चेंज को एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। तो हमारा काम कितना सा होगा,
बेटा हमारा काम वही होगा, पहले हम प्रोडक्ट ए बी और सी पर हम इस पे प्रॉफिट निकालेंगे, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी, इस चेन पर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटा ए बी और सी पर प्रॉफिट, और हमें डिसीजन लेना है इस चेन को हम एक्सेप्ट करें या जो एग्जिस्टिंग चेन है उसी को हम कंटिन्यू चलने दें। तो बेटा ध्यान रखना, यदि नई चेन पर आपका प्रॉफिट ज्यादा आता है तो सिंपल सी बात है आपको इस चेन को एक्सेप्ट कर लेना है, और नई चेन पर यदि आपका प्रॉफिट कम आता है तो इस चेन को हमें रिजेक्ट कर देना है। ठीक है बेटा, अब काम कैसे होगा, प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो वही रहेगा जो हमने कंपनी का इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ किया है। सेल्स, सेल्स में से हम कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा आता है नेट प्रॉफिट। अब बेटा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट वन डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है जो बार बार चेंज होती है, और फिक्स कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है। तो सेल्स में से हमको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है, पहले हम ए बी सी पर ये प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम ए डी और सी पर। यदि ए बी और सी वाली चेन पर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो हम ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम था बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू, और इसी को हम बोलते हैं अदर वर्ड्स में, क्योंकि ध्यान रखिए एक बुक और आती है बजटिंग नाम की बुक आती है जो कि आपके बीकॉम फाइनल ईयर में भी और काफी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सिलेबस में अलग अलग जगह हो सकती है। तो बिजनेस जो बस्टिंग बुक है उसमें टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू के नाम से ना होके वहां पर है बेटा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन। तो किसी भी नाम से आ जाए, चाहे वो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन के नाम से आ जाए, चाहे वो मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से आ जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? चलिए तो बेटा इसमें पहला जो पार्ट था आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड का मतलब क्या है, इन प्लेस ऑफ ओल्ड का मतलब ये है हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, पुरानी चेन में से किसी प्रोडक्ट को डिस्कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और इन प्लेस ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट हम न्यू लॉन्च करना चाह रहे हैं, बस हमें डिसीजन बताना है इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। इज इट क्लियर बेटा? चलिए अब अगला जो टॉपिक है बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट पार्ट से नहीं बनता, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। और इस टॉपिक का नाम है बेटा लिमिटेड की फैक्टर। क्या नाम है बेटा? लिमिटेड की फैक्टर या लिमिटिंग की फैक्टर। लिमिटिंग की फैक्टर का मतलब हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है लिमिटिंग की फैक्टर। लिमिटिंग की फैक्टर का मतलब है बेटा आपके सामने क्या करेगा, क्वेश्चन में कुछ लिमिटेशन दे देगा। अब लिमिटेशंस क्या होती है आपको पता है, ध्यान रखिए लिमिटिंग की फैक्टर का मतलब है आपके सामने कुछ लिमिटेशन देगा और क्वेश्चन में जो लिमिटेशन होगी बेटा वो तीन लिमिटेशन में से कोई सी भी एक लिमिटेशन आपके क्वेश्चन में हो सकती है। वो लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहली जो लिमिटेशन होगी आपके सामने होगी बेटा रॉ मटेरियल। क्या होगी बेटा लिमिटिंग की फैक्टर में सबसे पहली लिमिटेशन, रॉ मटेरियल। जैसे बेटा आपको उसने क्वेश्चन में बोला आपके पास केवल और केवल मात्र 1 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल है, आपके पास कितना लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल है, ओनली 1 लाख, 1 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल आपके पास है और आप अभी तीन प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी और सी। अब कॉमन सेंस, यदि 1 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल में आपके तीनों ही प्रोडक्ट बन जाते हैं, मान लीजिए ए बी बन गया, बी बी बन गया और सी बी बन गया, यदि आपके 1 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल में, तो आई थिंक हमें इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक का नाम ही क्या है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, और इस प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन में भी आपके पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है लिमिटिंग की फैक्टर। बेटा आपके पास लिमिटेशन है, यदि 1 लाख किलोग्राम रॉ मटेरियल में आपके तीनों प्रोडक्ट ही बन जाते हैं ए बी और सी, तो हमें कुछ भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं।
लेकिन ध्यान रखना कोई ना कोई जो प्रोडक्ट है वो आपका हमेशा शॉर्ट रहेगा, इसीलिए हमें ये डिसीजन लेना है कि पहले हम ए को बनाएं, हम बी को बनाएं या हम सी को बनाएं। तो ध्यान रखना लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में तीन लिमिटेशन आपके सामने आएगी। बेटा एक होगा रॉ मटेरियल, और ध्यान रखना एग्जाम हॉल में जब भी आपका लिमिटिंग की फैक्टर रॉ मटेरियल आए तो आपको एग्जाम हॉल में क्या निकाल के आना है, आपको एग्जाम हॉल में निकाल के आना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। आई अगेन रिपीट, जब भी एग्जाम हॉल में लिमिटिंग की फैक्टर रॉ मटेरियल आए तो आपको एग्जाम में निकाल के आना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। और ये कॉन्ट्रीब्यूशन बेटा पर किलोग्राम कैसे निकालते हैं, जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो उसमें बस आप लोग डिवाइड लगा देना रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट का, इसका डिवाइड लगा देंगे बेटा। जब भी एग्जाम में लिमिटिंग की फैक्टर आएगा तो आपको एग्जाम में लिमिटिंग की फैक्टर क्या आएगा, रॉ मटेरियल, तो आपको एग्जाम हॉल में हमेशा क्या निकाल के आना है कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम हम कैसे निकालेंगे, जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें हम लोग डिवाइड लगा देंगे रॉ मटेरियल कंजप्शन पर यूनिट का, यानी एक यूनिट को बनाने में हमारा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। नेक्स्ट है बेटा आपका लिमिटिंग की फैक्टर है आपके लेबर आर्स। लेबर आर्स यदि हम बात करें लेबर आर्स की, अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि आपके पास केवल और केवल मात्र 50,000 लेबर आर्स हैं, यानी आप लेबर क्लास से कितना काम करा सकते हो, केवल और केवल 50,000 आर। अब आपको 50,000 आर्स में ही, 50,000 आर्स में ही आपको तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं ए बी और सी। कॉमन सेंस, कोई ना कोई प्रोडक्ट आपका जरूर शॉर्ट रहेगा, ठीक है बेटा। तो अब हम पहले किसको बनाएं, ए को बनाएं या बी को बनाएं या सी को बनाएं, ये डिसीजन हमको लेना है। और वो डिसीजन जो लिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ, अब वो लिया जाएगा बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर। यानी हमको क्या निकालना होगा बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर। और कैसे निकालते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें डिवाइड लगा देना लेबर आर कंजप्शन या कंज्यूम पर यूनिट। यानी एक यूनिट को बनाने में लेबर आर कितने कंज्यूम हुए। और लास्ट एंड फाइनल बेटा एक लिमिटेशन और होती है, और वो लिमिटेशन होती है बेटा आपके सामने सेल। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल देगा कि तीनों प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के आप 20 लाख रुपए से ऊपर की सेल नहीं कर सकते। आई विल रिपीट, तीनों प्रोडक्ट की मिला के हम 20 लाख रुपए से ऊपर की सेल नहीं कर सकते। तो कॉमन सेंस, यानी बेटा सिंपल सी बात है, जब हम तीनों प्रोडक्ट को बेचेंगे तो सेल आपकी 20 लाख से ऊपर ही जाएगी। लिमिटेशन दे दी 20 लाख से ऊपर आप सेल नहीं कर सकते। अब ये डिसीजन आपको लेना है कि पहले हम ए को सेल करें, चाहे से हम बी को सेल करें, या पहले हम सी को सेल करें, किसको सेल करें। तो ये जो डिसीजन होता है बेटा ऑन द बिहाफ ऑफ होता है, जब भी एग्जाम में लिमिटिंग की फैक्टर आएगा तो आपको एग्जाम हॉल में निकाल के आना है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और सबको निकालना आता है बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के फॉर्मूले की, हमने खूब प्रैक्टिस करी है। इट्स सी अपॉन एस इंटू 100, सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन, एस फॉर सेल, और मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर। तो कुल मिला के ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो पार्ट टू है उसमें हमें क्या पढ़ना है। इसके दो नाम बताए, इसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू भी बोलेंगे, और इसी को हम बेटा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन भी बोलेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। जो पहला पार्ट है बेटा वो है स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, जो हमारी पुरानी चेन है प्रोडक्शन चेन, सपोज
लेट इट बी आप तीन प्रोडक्ट बना रहे हो ए बी और सी, और हमने डिसीजन लिया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, उसमें से बी को डिसकॉन्टिन्यू करना चाह रहे हैं और इन प्लेस ऑफ बी हम लोग जो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं न्यू प्रोडक्ट उसका नाम है डी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी और सी पर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम ए डी और सी पर प्रॉफिट निकालेंगे। यदि बाद वाली चेन पर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो दिस ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, और मान लीजिए बाद वाली चेन पर प्रॉफिट कम आ रहा है तो दिस ऑफर शुड बी रिजेक्टेड या दिस चेन शुड बी रिजेक्टेड। और सेकेंड जो क्वेश्चन है इट्स लिमिटिंग की फैक्टर, फिर से बोल दूँ एग्जाम में बेटा क्वेश्चन यहीं से बनता है, लिमिटिंग की फैक्टर से ही बनेगा। और लिमिटिंग की फैक्टर मैंने आपको बता दिया, लिमिटेशन के रूप में तीन लिमिटेशन एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगी, तीनों कभी एक साथ नहीं आती, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मैक्सिमम टू या मिनिमम आपको एक तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बिजनेस बस्टिंग बुक्स, जिस भी लेवल पे बिजनेस बस्टिंग बुक है, कहीं पर भी प्रोडक्ट और प्रोडक्शन डिसीजन वाला टॉपिक है, कहीं पर भी मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट टू है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो कहाँ से बनता है बेटा, लिमिटिंग की फैक्टर, लिमिटिंग की फैक्टर का मतलब हमने आपको बता दिया, लिमिटेशन आपके सामने लिमिटेशन है, किस चीज को पहले बनाऊं, किस चीज को बाद में बनाऊं, किस चीज को पहले बेचूं, किस चीज को बाद में बेचूं। और लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में हमने आपको तीन फैक्टर बताए हैं। नंबर वन, पहला फैक्टर है आपका रॉ मटेरियल। जब भी एग्जाम हॉल में रॉ मटेरियल लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में आएगा तो समझ जाइए एग्जाम हॉल में आपको क्या निकाल के आना है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, मतलब जो डिसीजन लोगे वो कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी के बिहाफ पे लोगे कि पहले मैं किस प्रोडक्ट को बनाऊं और किसको नहीं बनाऊं। यदि एग्जाम में लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में लेबर आर्स आ रहे हैं तो आपको एग्जाम हॉल में क्या निकाल के आना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर। और जब भी एग्जाम हॉल में लिमिटिंग की फैक्टर के रूप में सेल आएगी तो आपको एग्जाम में बेटा पीवी रेशियो के बिहाफ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि पहले हम किस प्रोडक्ट को सेल करें और किसको हम बाद में सेल करें, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक ओवरव्यू आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे बेटा, स्टार्टिंग में न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और देन उसके बाद मैं आपको लिमिटिंग जो की फैक्टर है उसके क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा बेटा, नोट्स की अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हमने रिसेंट जितने भी टॉपिक अपलोड करे हैं, नीचे आप देखना डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, गूगल ड्राइव पर लिंक दे रखा होगा, उस पर आपको नोट्स अब जरूर मिल रहे होंगे। तो अब हेडक आपके सारी खत्म हो चुकी है, नोट्स आपके सामने हैं, एक्सप्लेन में पूरा कर रहा हूँ जैसा हम क्लास में एज यूजुअल पढ़ाते हैं, और सब कुछ आपके सामने है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो आप इन्हें डिस्कस करेंगे, कॉमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स टू ऑल, जय श्री श्याम।